हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग? आई विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ अन अकेडमी नीट लाइव डेली. आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपके साथ रूबरू हुए हैं और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन जो है नीट के लिए बहुत बढ़िया चल रही है. और अब तो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है, दैट इज़ नीट ओनली. देर इज़ नो एम्स, देर इज़ नो जिपमेर. तो एग्ज़ाम का लेवल भी कहीं ना कहीं पहले से बढ़ेगा, राइट? और आपको अपने एफर्ट्स में थोड़ी और तेज़ी लानी होगी, थोड़ी और स्मार्टनेस दिखानी होगी. अलग अलग तरह के क्वेश्चंस जो है आपको प्रैक्टिस करने चाहिए आने वाली क्लासेस में. इवन आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके लिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेकर के आ सके. एसेशन रीजन भी बीच बीच में प्रैक्टिस करवाता रहूंगा मैं आपको. और मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस, देन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें आपके साथ करते रहेंगे हम, ठीक है मेरे बेटा? चलिए जी. सो जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं हमारे साथ, जल्दी से लिंक जो है उनको फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारे साथ जुड़ पाएं. अच्छी शिक्षा पर सबका अधिकार होना चाहिए, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सही शिक्षा. नथिंग कैन रिप्लेस द कोर क्वालिटी एजुकेशन, हमेशा ये कहता हूँ. चलिए देखते हैं जी मेरे पीछे क्या है. मेरे बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं, आप जानते हैं मुझे अच्छे से, मैं आपको जान चुका हूँ. डॉक्टर सचिन कपूर एंड नियरली 20 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. बहुत सारे बच्चे अपना मुकाम पा चुके हैं, थोड़ी सी मेरी गाइडेंस, बाकी उनकी मेहनत, अपनों का प्यार और आशीर्वाद. एक इंसान की सफलता में बहुत से लोगों का हाथ होता है, ये बात तो आप भी मानेंगे, राइट बेटा? हम जिक्र कर रहे हैं इवोल्यूशन का. इवोल्यूशन के एक सुहाने सफर पे आपको लेकर के चल रहा हूं. अभी तक हम ये डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से लाइफ का ओरिजिन हुआ है. बहुत सारी थ्योरीज अलग अलग तरह की दी गई हैं, अलग अलग कंसेप्ट दिए गए हैं, बट कोई भी थ्योरी कंप्लीटली सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, राइट? हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं देखेंगे. अलग अलग थ्योरीज जिनका हमने जिक्र करा था, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, देन केम द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, लुइस पास्टर वाले एक्सपेरिमेंट्स भी हमने पढ़े थे. उसके बाद थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, थ्योरी ऑफ एटर्निटी ऑफ लाइफ, ओपेरिन एंड हाल्डेन का कंसेप्ट, बहुत सी बातें हम कर चुके हैं, लेकिन कोई भी चीज कंप्लीटली सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगती. हर बात में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमियां रह जाती हैं जो थॉरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि लाइफ का ओरिजिन किस तरह से हुआ है. चलिए जी बढ़ते हैं आगे. सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपसे कर लूं मैं. टेलीग्राम का ये बेहतरीन ऐप आपके सेलफोन में होना जरूरी है. इस ऐप के जरिए आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं और हम आपको आने वाले वीडियोस या आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं, मोटिवेशनल लेक्चर्स हैं, इवन उनके पीडीएफ भी, लेक्चर के जो नोट्स होते हैं ना, बच्चे हमेशा कहते हैं हमें नोट्स नहीं मिल रहे, वो कहाँ मिलेंगे? तो भाई जब आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएंगे जिस पे कि हजारों बच्चे जुड़ चुके हैं, इसी के जरिए हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, राइट मेरे बेटा? नेक्स्ट देखते हैं जी, प्लस का ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म, हमेशा आपको बताता हूँ. कई बच्चे जो हैं नए भी होते हैं क्लास में, कई बच्चे अभी भी शायद डाइसी सिचुएशन में है, सोच रहे हैं प्लस ज्वाइन करें ना करें, क्या उस पर अलग से बेनिफिट हैं. सो भाई वो बेनिफिट तो आपको जब आप एक बार प्लस पे आकर के हम लोगों से पढ़ लेंगे, ऑल इंडिया बेहतरीन टीम जो है आपके पास, दैट इज अश्विनी त्यागी सर फॉर केमिस्ट्री, नमो सर एंड महेंद्र सर फॉर फिजिक्स एंड माई सेल्फ फॉर बायोलॉजी, बहुत सारे एजुकेटर्स के वहां पे बैचेस हैं, द बेस्ट. आपके पास एक चाबी आ जाएगी, की आ जाएगी, जिससे आप बहुत सारे ताले खोल सकते हैं. इस तरह से समझ लीजिए इस प्लेटफॉर्म को. लॉगिन आईडी पासवर्ड से जैसे ही आप लॉगिन करते हैं प्लस के प्लेटफॉर्म पे, आप देखेंगे कि वहां पे बहुत सारे एजुकेटर्स के कोर्सेज हैं. आप अपनी सुविधा के अनुसार, समय के अनुसार आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने उस समय बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है, आपने उस समय प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है, आप जेनेटिक्स कवर करना चाह रहे हैं, आप मेरे साथ इवोल्यूशन कवर करना चाह रहे हैं. सो सभी टॉपिक्स वहां पे आपको अवेलेबल मिलेंगे. लाइव भी हैं एंड प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं. आई मीन अगर आपके कोई टॉपिक छूट गए हैं तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी वहां पे और पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे. सो ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो है आपको और कहीं नहीं मिलने वाला, जरूर एक्सप्लोर कीजिए प्लस. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अनअकैडमी का ये बेहतरीन ऐप, लर्निंग ऐप आपके सेलफोन में होना जरूरी है. ये ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको प्लस के सेक्शन पे जाना है. प्लस के सेक्शन में जाने के बाद आपको क्या करना है, नीट का कॉलम जो है वो सेलेक्ट करना है. एंड देन जब आप सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे बेटा जी, सब्सक्रिप्शन में आपको ये नीट लाइव कोड यूज जरूर करना है. कोड यूज करना मत भूलिएगा. इस कोड को जब आप यूज करते हैं तो हमारी टीम की तरफ से आपके लिए बेहतरीन तोहफा है कि आपको जो टोटल फी है उसमें काफी डिस्काउंट मिल जाता है और आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली रहता है. देखिए बेटा, अच्छी एजुकेशन जो है, कोर क्वालिटी एजुकेशन जो है, उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ स्पेंड तो आपको करना पड़ेगा, नो डाउट.
YouTube पे हम आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, बेहतरीन पढ़ा रहे हैं। प्लस पे और बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। अगर आपको अपना रैंक बूस्ट करना है, आपको और लोगों के कंपैरिजन में जानना है कि टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो ये सब चीज़ें आपको उसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। लाइव डाउट सेशंस हैं वहाँ पे, आप डायरेक्टली मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं, फिजिक्स टीचर से, केमिस्ट्री टीचर से, सब लोग अवेलेबल हैं जी। चले बेटा फिर बता दूं मैं, नीट लाइव कोड यूज करना मत भूलिएगा। नीट लाइव कोड जब आप यूज करते हैं सो आपको फी में स्पेशल डिस्काउंट मिलता है हमारी टीम की तरफ से, राइट? चलिए राजा बेटा, तो बढ़ते हैं आगे। आज क्या प्यारी सी कोटेशन है मेरे पास आपके लिए। कोटेशन ये कह रही है, यू कैन विन इफ यू वॉन्ट, आप जीत सकते हैं यदि आप चाहते हैं। चाहत मजबूत होनी चाहिए, राइट जी? मजबूत इन द सेंस कि आप दिलो जान से फिर उस चीज को पाने के लिए लग जाएं और सही रास्ता चुनें। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है, और मुझे तो बड़े प्यारे लगते हैं इस तरह के कॉफी मग या चाय का मग अपना हो जिसके ऊपर आपकी इच्छा जो है वो लिखी हुई हो। आप रोज उसे जब देखते हैं आपके अंतर्मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे वो बात बैठ जाती है, मुझे डॉक्टर बनना है। मैं तो चाहूंगा ऐसा कप बनवा लीजिए अपने लिए जिसके ऊपर आपका नाम लिखा हो, डॉक्टर रोहन, डॉक्टर कनीज, डॉक्टर हुमा, डॉक्टर डॉली, डॉक्टर कनिष्क, डॉक्टर कनक, इस तरह का आप लिख करके जब रखेंगे ना, और रोज जब सुबह उठ करके उसे देखेंगे तो आप देखना कि एकदम से आपके अंतर मन में ये बात जाएगी कि भाई यही मेरा मकसद है, ये मुझे पाना है। सो इसके लिए लग जाना, जब दिन की शुरुआत हुई है तो अपना मकसद नजर आना चाहिए, जब आप रात को सोने लगे तो आपको अपना मकसद नजर आना चाहिए। चले बेटा बात करते हैं इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन में मैंने आपको लिटरल मीनिंग क्या बताया था इवोल्यूशन का। इवोल्यूशन मीन्स टू अनफोल्ड और टू रिवील द हिडन पोटेंशियल, अपने अंदर छुपी हुई किसी चीज को जाहिर करना। कुछ बच्चे सोचते हैं कि इवोल्यूशन जो है क्या वो सिर्फ ह्यूमंस में हुआ है। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ हम एक पिक्चर ले लेते हैं दिखाने के लिए। जर्नली जब आप देखते हैं, आप ये तस्वीर देखते हैं कि पहले गोरिल्ला, चिंपैंजी, फिर धीरे धीरे जो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस आए, होमो हैबिलिस आए, उसके बाद क्रोमैग्नन मैन, और उसके बाद फाइनली हम दिखाते हैं कि भाई दिस इज व्हाट इज द होमो सेपियंस। उसके बाद फ्यूचर भी प्रेडिक्ट करा है हमने, होमो सेपियंस फ्यूचरालिस, उसके बारे में जिक्र करेंगे जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ेंगे। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है कि इवोल्यूशन सिर्फ ह्यूमंस में ही हुआ है, सभी स्पीशीज, सभी ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व करे हैं। कहीं कहीं हमें ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं जहां पे हम ये कह देते हैं कि ये एनिमल लिविंग फॉसिल है, ये ऑर्गेनिज्म। लिविंग फॉसिल मींस दैट व्हेन द ऑर्गेनिज्म हैज अंडरगॉन वेरी लिटिल इवोल्यूशनरी चेंज इन द पास्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, उसके कारण भी हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, स्टासिजेनेसिस। चलिए जी, सो ओरिजिन ऑफ लाइफ का जिक्र कर रहे थे हम। ओरिजिन ऑफ लाइफ जिसे टेक्निकली बायोपोएसिस भी कहते हैं, धरती पे लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई है, किस प्रकार सबसे पहले वाले जो ऑर्गेनिज्म थे वो बने हैं, इसको लेकर के बहुत सारी थ्योरीज हैं। बहुत सारी थ्योरीज हम पढ़ भी चुके हैं। करंटली हम क्या क्या कंसेप्ट आज डिस्कस करने वाले हैं वो भी आपको बताता हूँ। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन हमने डिस्कस करा था, फादर सुअरेज, मैंने बताया था ना दैट इनका ये मानना था दैट पूरी सृष्टि का निर्माण एक सुपर नेचुरल पावर ने करा है, और यहाँ पे ये कह लीजिए कि भगवान ने बनाई है सारी सृष्टि। हिंदू माइथोलॉजी में भी हम बिलीव करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, राइट? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसमें हमने ये जाना था एरिस्टोटल, एपिक्यूरस, वॉन हेलमोंट। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन का क्या मानना था, दैट लाइफ अराइजेस स्पॉन्टेनियसली आउट ऑफ नॉन लिविंग मैटर। जैसे अगर काउ डंग है कहीं तो अपने आप मैगट्स बन जाएंगे, अगर बारिश हुई तो अपने आप जो है उसमें मेंढक बन जाएंगे। वॉन हेलमोंट ने तो एक रेसिपी दे दी थी कि अगर आप मिट्टी के एक बहुत से बड़े बर्तन में गेहूं के कुछ दाने और साथ में पसीने से भीगी हुई एक कमीज रखेंगे, सो विद इन 21 डेज रैट्स विल बी फॉर्म्ड, राइट? सो वो था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। फिर इस थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसप्रूव किया गया था, इसका और नाम क्या था, थ्योरी ऑफ ऑटोजेनेसिस, एबायोजेनेसिस। फिर फ्रांसिस्को रेड्डी, स्पैलेंजानी, लुइस पास्चर ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके इस बात को डिसप्रूव करा। फ्रांसिस्को रेड्डी ने कहा कि लाइफ स्पॉन्टेनियसली ओरिजिनेट नहीं कर सकती, ऐसा ही स्पैलेंजानी ने कहा, और लुइस पास्चर ने स्वैन नेक शेप्ड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट करा, और उसमें उसमें उन्होंने यीस्ट लिया, शुगर, वाटर लेकर के ये साबित करा कि भाई लाइफ स्पॉन्टेनियसली ओरिजिनेट नहीं करती, लाइफ अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। फिर हमने ये जाना कि भाई वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कैसे आई होगी, सवाल तो यही हम ढूंढने चले थे, हाउ द लाइफ ओरिजिनेटेड। लुइस पास्चर ने ये कह दिया लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ,
तो भाई वो प्री एग्जिस्टिंग कहाँ से आई, वो जानना भी तो जरूरी था। थ्योरी ऑफ पैन्सपर्मिया हमने पढ़ा, थ्योरी ऑफ पैन्सपर्मिया कॉस्मोजोइक थ्योरी है, इंटरप्लेनेटरी थ्योरी का ये मानना था कि लाइफ का ओरिजिन धरती पे हुआ ही नहीं है, किसी दूसरे प्लैनेट से स्पोर्स ऑफ लाइफ हैव माइग्रेटेड ऑन अर्थ और अर्थ पे आकर के लाइफ का इवोल्यूशन हुआ है ना। इस थ्योरी को प्रूव करना डिसप्रूव करना दोनों बातें ही मुश्किल हैं। कुछ साइंटिस्ट आर्ग्यू करते हैं इस चीज़ में कि भाई जब स्पोर्स ऑफ लाइफ माइग्रेट करके दूसरी प्लैनेट से धरती पे आ रहे हैं, सो आउटर एटमॉस्फेयर में स्पेस में इतनी हार्श कंडीशंस हैं, एनहाइड्रस कंडीशन है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा फ्रिक्शन के कारण कि कोई लिविंग चीज़ जिंदा रह ही नहीं सकती। लेकिन हमें कई सबूत भी मिले हैं इस बात के, वो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में, राइट जी। चलिए उसके बाद फाइनली हम कहाँ पहुँचे थे, ओपेरिन एंड हाल्डेन ने जो कंसेप्ट दिया है, एलेक्जेंडर ओपेरिन एंड जेबीएस हाल्डेन, इन्होंने ये कहा कि लाइफ का ओरिजिन नॉन लिविंग मैटर से ही हुआ है। जो आउटर एटमॉस्फेयर, जो पुराना प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर रहा था आज से करोड़ों साल पहले धरती पे, द कंडीशंस वर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट डे कंडीशन। उस समय द एटमॉस्फेयर वॉज रिड्यूसिंग टाइप, नो फ्री ऑक्सीजन वॉज अवेलेबल, टेम्परेचर वॉज वेरी हाई, तो सिंपल जो मॉलिक्यूल्स थे वो आपस में कंबाइन करते गए और वो कॉम्प्लेक्स चीजें बनाते गए। सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे उनके अनुसार उस समय मिथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर्स, ये सब अबंडेंस में था। भाई ये सब चीजें जो है इन प्रेजेंस ऑफ एनर्जी सोर्सेज, एनर्जी के सोर्सेज क्या क्या बताए थे उन्होंने, उन्होंने कहा कि उस समय लाइटनिंग फ्रॉम क्लाउड्स, बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी, तो लाइटनिंग फ्रॉम क्लाउड्स, हीट फ्रॉम द वॉल्केनिक इरप्शंस, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरेज, तरह तरह की रेडिएशंस थी, ये सारी चीजें एक एनर्जी सोर्स का काम करी और सिंपल मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स करती गई। अमीनो एसिड्स बनते गए, अमीनो एसिड ने प्रोटीन बना दिए, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना होगा जिसने फैट्स बना दिए, इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड्स भी बन गए होंगे, राइट। सो यही एक सेल की बेसिक कॉम्पोजिशन है। एक सेल में क्या है, पानी है, अमीनो एसिड्स हैं, शुगर्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इन सब से एक सेल बना है। सो उन्होंने ये कहा कि करोड़ों साल पहले समंदर के पानी में लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। वाई? बिकॉज वाटर इज एन एक्सेलेंट सॉल्वेंट, पानी एक बहुत बेहतरीन सॉल्वेंट है, इसमें चीज़ें घुल जाती हैं और उनके आपस में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। सो ओपेरिन एंड हाल्डेन के इस कंसेप्ट को जो उन्होंने कहा था उसे प्रैक्टिकली प्रूव भी किया था, यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट जिसका जिक्र हम कर चुके हैं, हेरोल्ड यूरे, स्टैनले मिलर, जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक स्पेशल तरह का एपरेटस डिजाइन करा था जिसे कहते हैं स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस, और उस एपरेटस में उन्होंने साइम्यूलेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा। उन्होंने हूबहू सेम वैसी कंडीशंस क्रिएट करनी चाहिए जैसे कि करोड़ों साल पहले धरती पे रही होंगी, और जब उन्होंने मिथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन इन द रेशो 2:1:2 अलॉन्ग विद वाटर वेपर्स लेकर के उस एपरेटस में कई दिनों तक वो जो है इलेक्ट्रिकल स्पार्क जेनरेट करते रहे, और फिर जब उन्होंने एक सैंपल लेकर के वहां से व्हेन दैट मिक्सचर वाज एनालाइज्ड तो उसमें उनको सिंपल अमीनो एसिड्स मिले, राइट, ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, ये सब सिंपल अमीनो एसिड्स उसमें मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि भाई जो बात ओपेरिन एंड हाल्डेन कह रहे हैं इसका मतलब वो सच है, इसी तरीके से लाइफ का ओरिजिन हुआ होगा, जब सिंपल मॉलिक्यूल्स बन गए तो कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा बढ़ गई होगी और धीरे धीरे किसी तरह से आगे ये सब सिंपल चीजें आपस में जुड़ती गई और इनके जुड़ने से जो है आगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। सो कीमोजेनी यानी जो केमिकल इवोल्यूशन वो हम पढ़ चुके हैं, अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कि फिर एक सेल जैसी चीज कैसे बनी होगी, जब आपके पास अमीनो एसिड है, आपके पास प्रोटीन्स हैं, शुगर्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, बेसिक जितना भी सामान चाहिए आपको एक सेल के बनने के लिए वो सब चीजें प्रेजेंट हैं। सो देखते हैं इन्होंने आपस में इंटरेक्ट करके एक सेल कैसे बनाया होगा। सो आज हम जिक्र करेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन और द बायोजेनी का। नाउ स्टेजेस इन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, क्या क्या स्टेप्स रहे होंगे उस बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में, यहां हम कुछ प्रोटोबायोंट मॉडल्स डिस्कस करेंगे, क्वेसरवेट्स, ओपेरिन ने ये टर्म दिया क्वेसरवेट्स, एंड माइक्रोस्फियर्स, सिडनी फॉक्स। क्वेसरवेट्स एंड माइक्रोस्फियर में क्या डिफरेंसेस है इनका भी जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं क्या क्या स्टेप्स रहे हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में। नंबर वन, आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। नंबर टू, ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स। आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल है स्ट्रक्चर में एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स, तो पहले प्रोकैरियोट्स बने होंगे।
Number two is evolution. The next is the evolution of modes of nutrition. Modes of nutrition यानी heterotroph, autotroph. तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पहले heterotrophs बने, then autotrophs बने हैं. Formation of the ozone layer. बहुत जरूरी रहा होगा ozone का बनना. आप जानते हैं जब ऑक्सीजन बन गई तो फिर बाद में ओजोन बन गई होगी. ओजोन की एक लेयर, ओजोन की जो एक परत बन जाती है ऊपर एटमॉस्फेयर में, तो हार्मफुल रेडिएशंस फिर नीचे नहीं आ पाई होंगी, राइट. देन देयर वाज ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स. हम ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स कैसे बने होंगे. लिन मार्गुलियस का कहा हुआ एक कंसेप्ट है, एक सिम्बायोटिक थ्योरी हम पढ़ेंगे कि भाई एक बड़े प्रोकैरियोटिक सेल ने एक छोटे सेल को एनगल्फ कर लिया होगा, ये उन्होंने कहा ऐसा, और वही छोटा सेल उस बड़े सेल के अंदर एक सिंबायोटिक रिलेशनशिप बना करके रहने लगा, और वो छोटा सेल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया बना या फिर वो प्लास्टिड बना इन केस ऑफ प्लांट्स. सो बिकॉज जब आप माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ते हैं, सो हमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिलती हैं प्रोकैरियोट्स के साथ. जिन ड्रग्स के साथ माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट होता है, वही ड्रग्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल का प्रोटीन सिंथेसिस भी इनहिबिट करती हैं. ठीक है जी, तो ये सब चीजें हमने डिस्कस करनी है. फिर से एक बार देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप. आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स, किस प्रकार से प्रोकैरियोट्स बने, इवोल्यूशन ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स. चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या कंडीशंस आवश्यक रही होंगी फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ. कंडीशंस क्या जरूरी रही होंगी. नंबर वन, देयर मस्ट हैव बीन अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटर्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो स्वयं को रेप्लिकेट कर सके. जैसे मान लीजिए डीएनए की बात अगर हम करते हैं, जो अपने आप को रेप्लिकेट कर सके, उनका बनना बहुत जरूरी रहा होगा. अब इसको भी लेकर के कंसेप्ट है कि पहले डीएनए आया या पहले आरएनए आया. आप जानते हैं आरएनए में क्या है, राइबोस शुगर, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस. तो भाई पहले राइबोस आई होगी, फिर उसकी डीऑक्सी फॉर्म आई होगी. देन आप जानते हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है, तो क्या आरएनए भी डीएनए बना सकता है. द आंसर इज करेक्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ा होगा. तो जैसे हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जैसे फंडामेंटल कंसेप्ट को समझा, हमने जाना, तो हमें पता चला कि भाई आरएनए डीएनए बना सकता है. सो पहले आरएनए था, उसके बाद आरएनए से डीएनए बना, राइट जी. सो पहले आरएनए ये सब काम संभालता था, फिर डीएनए संभालने लगा अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स एंड इंफॉर्मेशन. कॉपिंग ऑफ दीज रेप्लिकेटर्स मस्ट हैव बीन सब्जेक्ट टू एरर थ्रू म्यूटेशन. ये भी एक बड़ी आवश्यक बात रही कि जब वो सेल्फ रेप्लिकेटर मॉलिक्यूल जिसका जिक्र हम कर रहे हैं वो अपने आप को रेप्लिकेट करे, तो कहीं ना कहीं कोई एरर आ जाना चाहिए, कोई गड़बड़ हो जानी चाहिए. उस गड़बड़ के होने का फायदा क्या है, उससे मतलब ये है कि कोई म्यूटेशन अगर हो जाएगा तो वेराइटी आएगी. वेरिएशंस का अल्टीमेट सोर्स क्या है, म्यूटेशंस. सो वेराइटी होगी तभी तो इवोल्यूशन होगा. हमने ये पढ़ा है ना दैट म्यूटेशंस या वेरिएशंस जो है अल्टीमेटली दे आर प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन. वेरिएशंस प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन एंड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन इज म्यूटेशन. क्लियर है जी. सो सेल्फ रेप्लिकेटर मॉलिक्यूल का होना जरूरी है. जब वो अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है तब ये आवश्यक है कि कोई गड़बड़ हो जानी चाहिए वहां पे. हाई टेम्परेचर In the early earth would have fulfilled the requirement of mutation. तापमान बहुत ज्यादा था, early atmosphere की बात करें, so high temperature के कारण mutation की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. System of replicators must have required a continuous supply of free energy and partial isolation. देखिए partial isolation भी जरूरी है. अब partial word क्यों use करा, देखिए मान लीजिए amino acids, शुगर्स जो हम कह रहे हैं कि भाई समंदर के पानी में, ये सब सिंपल चीजें हैं. देर आर फैटी एसिड्स, देर आर ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स, राइट. ये सब सिंपल चीजें जब समंदर के पानी में हैं तो किस प्रकार से एक सेल जैसी चीज बनेगी जहां पे ये सब चीजें इकट्ठी हो रही हैं, इनको कवर करती हुई एक ऐसी मेम्ब्रेन जैसी चीज होनी चाहिए जो इसे बाहर के मीडियम से पार्शियली आइसोलेट कर पाए. पार्शियल आइसोलेशन से मतलब है कि वो मेम्ब्रेन वो इस तरह की होनी चाहिए, वो बाउंड्री जो कुछ चीजों की एंट्री को अलाउ करे, कुछ चीजों की एंट्री को अलाउ ना करे, अंदर वाले मॉलिक्यूल्स के आपस में इंटरेक्ट करने के चांसेस को
बढ़ा दे, तो उसी को हम पार्शियल आइसोलेशन की बात कर रहे हैं। आगे हम कोएसरवेट एंड माइक्रोस्वेव्स पढ़ेंगे तो आपको ये बात और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। तो ये थी बेटा जी कंडीशंस विच वर रिक्वायर्ड फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ, राइट। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक लाइक का बटन प्रेस नहीं करा है, जल्दी से लाइक जरूर प्रेस हो जाने चाहिए आपकी तरफ से। आप लाइक्स करते हैं, आप लाइक भेजते हैं वीडियो को, तो वो हमारे लिए एनर्जी का काम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं जी, ओरिजिन ऑफ द ऑर्गेनिक आइसोलेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। वही आइसोलेशन का जो जिक्र अभी हमने करा, वही इसको लेकर के दो कंसेप्ट दिए गए हैं। एक है कोएसरवेट्स, एक है माइक्रोस्फीयर्स। दोनों का जिक्र करेंगे अभी। कोएसरवेट जो है वो कहा था ओपेरन ने, राइट, एंड जो माइक्रोस्फीयर है ये सिडनी फॉक्स का दिया हुआ कंसेप्ट है। टू हाइपोथेसिस आर प्रपोज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोंट कह लीजिए, प्रीबायोंट्स कह लीजिए। दीज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट लिविंग सेल फ्रॉम विच द मोर कॉम्प्लेक्स सेल्स इवॉल्व। सो ऐसा माना जाता है कि पहले ये प्रीबायोंट्स थे, उसके बाद फर्स्ट लिविंग सेल आए, उसके बाद जो है फिर और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। आप देखेंगे प्रोकैरियोट्स बने, यूकैरियोट्स बने, फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने। यूनिसेलुलैरिटी थी, यूनिसेलुलैरिटी से मल्टी सेलुलैरिटी हुई। ओके, नाउ इधर देखिए, पहले जिक्र किया गया है कोएसरवेट्स का। जैसा कि मैंने आपसे कहा, द फर्स्ट हाइपोथेसिस वॉज प्रपोज्ड बाय ओपेरन, अलेक्जेंडर ओपेरन। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस द अर्ली प्रीबायोंट्स कुड हैव बीन कोएसरवेट्स। कोएसरवेट्स क्या है? जैसे आप प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स को पानी में लेकर के अगर मिलाते हैं, शेक करते हैं, राइट, जैसे जेल, जेलेटिन, गम अरेबिका, आपको इस तरह के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स मिल जाते हैं जिन्हें कोएसरवेट्स का नाम दिया गया। सो ओपेरन गेव द टर्म कोएसरवेट्स। ही स्पेक्यूलेटेड दैट द प्रीबायोंट कंसिस्टेड ऑफ कोएसरवेट्स एंड प्रोटीन्स, राइट। इनके चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाता था, वाटर ड्रॉपलेट्स की एक फिल्म बन गई। अब वो एक तरह से पूरी मजबूत बाउंड्री तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह से फिजिकल बैरियर का काम जरूर करेगी। दीज वर सराउंडेड बाय अ फिल्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स एंड द कार्बोहाइड्रेट सराउंडेड बाय फिल्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। दिस अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कुड हैव फंक्शंड as a physical barrier between the organic molecules and their surroundings. जैसा कि मैंने कहा, एक partial isolation होना आवश्यक है, तभी तो अंदर में जो चीजें आपस में interact कर पा रही हैं, उनके interaction के chances बेहतर होंगे, और बाहर से अगर कोई चीजें चाहिए तो वो अंदर आ पाएंगी, अंदर के कोई metabolic waste है तो वो बाहर जा पाएंगे। एक cell में आप cell membrane का, plasma membrane का यही तो function पढ़ते हैं ना। दे कुड सेलेक्टिवली टेक इन मटीरियल्स, और मटीरियल्स का एक्सचेंज हो पाए, सेलेक्टिवली टेक इन मटीरियल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स एंड इनकॉर्पोरेट देम इन टू देयर स्ट्रक्चर। तो वो जो पार्शियल आइसोलेशन बना है अंदर के मॉलिक्यूल्स के लिए, वो इस प्रकार का होना चाहिए कि कुछ चीजें अंदर आ सके, कुछ चीजें बाहर जा सके। तो एक सेल के बनने की एक तरह से नींव रखी गई, एक फाउंडेशन रखा गया होगा इस तरह से। ये सब स्पेक्यूलेशंस हैं, राइट जी। आगे देखते हैं, कोएसरवेट्स दीज हैव बीन सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। लैब में ये हम बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड्स को पानी में शेक करके, बिकॉज दे लैक अ डेफिनेट मेम्ब्रेन। इनमें एक डेफिनेट मेम्ब्रेन नहीं है। नो वन क्लेम्स दैट कोएसरवेट्स आर अलाइव, दे हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज इन साइज। हाँ, ये जरूर था कि जब बाहर के मीडियम से, सराउंडिंग मीडियम से चीजें उसके अंदर आ जाएंगी तो ऑब्वियसली साइज बड़ा हो जाएगा उस चीज का। और एक सेल, एक ये तो सेल नहीं है, अगर हम प्रोटोबायोंट की बात भी करें, एक डेफिनेट लिमिट तक ही बड़ा हो सकता है। आप देखेंगे ना, सेल का सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो वो बहुत जरूरी होता है इसमें, एक डेफिनेट रेंज में रहना। इधर देखिए बेटा जी, आपको दिखाया गया है ये माइक्रोस्फीयर्स का फॉर्मेशन, एक एनिमेशन के जरिए शायद आप समझ पा रहे होंगे। जैसा हम पढ़ते हैं ना, बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, तो कुछ कुछ आपको ऐसा नजर आएगा कि भाई उन लिपिड्स ने एक आउटर बाउंड्री बनाई होगी और अंदर के मॉलिक्यूल्स को आपस में इंटरेक्ट करने के चांसेस दिए होंगे। जो लिपिड्स आप पढ़ते हैं, फॉस्फोलिपिड्स का अगर जिक्र करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी जो है, दे हैव हाइड्रोफिलिक एंड दे हैव हाइड्रोफोबिक एंड। अनदर हाइपोथेसिस इज दैट अर्ली प्रोटोसेल कुड हैव बीन माइक्रोस्फीयर।
तो ये माइक्रोस्फीयर वाला कंसेप्ट दिया है सिडनी फॉक्स ने. माइक्रोस्फीयर इज अ नॉन लिविंग कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स विद डबल लेयर्ड आउटर बाउंड्री. तो यहां पे बाउंड्री बन गई. माइक्रोस्फीयर को कहा जाता है कि ये एक बेहतरीन मॉडल है क्वेसर वेट के कंपैरिजन में. इट इज अ बेटर मॉडल. माइक्रोस्फीयर्स रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं. सिंपल फॉर्म ऑफ आप फिजन कह दीजिए या एक तरह का बडिंग कह दीजिए कि जब एक सेल बड़ा होता जा रहा है तो फिर उसमें से एक बड निकल आएगी जो उससे सेपरेट हो जाएगी. तो एक सिंपल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन की भी शुरुआत हो गई होगी इस तरह से. सिडनी फॉक्स ने डिमॉन्स्ट्रेट किया दैट द एबिलिटी टू बिल्ड माइक्रोस्फीयर्स फ्रॉम प्रोटीनॉइड्स. प्रोटीनॉइड्स क्या है? दे आर प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग ऑफ ब्रांच्ड चेन्स ऑफ एमिनो एसिड्स. उन्होंने एमिनो एसिड्स को हीट किया एनहाइड्रस कंडीशंस में. अलग अलग अमीनो एसिड्स को हीट करके उन्होंने दिखाया कि प्रोटीनॉइड्स बन सकते हैं. आप जानते हैं जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो हम कहते हैं एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं उसमें. तो भाई शुरुआत की जिन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं वहां तो एंजाइम्स है नहीं. दैट मीन्स इनिशियल रिएक्शंस मस्ट हैव बीन नॉन एंजाइमेटिक, बिना एंजाइम्स के. बाद में जब प्रोटीन्स बन गए, आप जानते हैं मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, तो फिर कुछ प्रोटीन्स ने एंजाइम्स का काम करना शुरू कर दिया. प्रोटीन्स जब एंजाइम्स बने तो एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स प्रोवाइड अ यूनिकली स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू इंटरैक्ट एंड फॉर्म प्रोडक्ट. एंजाइम्स ने रिएक्शन का जो स्पीड थी, रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको बढ़ा दिया. वो किस तरह से? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन. सो प्रोटीनॉइड्स दे आर फॉर्म्ड बाय द डिहाइड्रेशन सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स at a very high temperature. Okay, next dekhte hain ji. He observed small spherical cell-like units that had arisen from aggregation of proteinoids. Unhone dekha ki jin proteinoids ka wo zikr kar rahe hain, un proteinoids se aggregation ho karke cell-like cheez ban sakti hai. So Sydney Fox ka diya hua ye concept hai. These molecular aggregates, they were called proteinoid microspheres. The first non-cellular form of life could have originated 3 billion years ago. देखिए कितनी हम करोड़ों साल पहले की बातें कर रहे हैं ये, और अभी तक भी एक डेफिनेट सेल जैसी चीज नहीं बनी है. तो जब हम बात करते हैं ह्यूमंस की, प्राइमेट्स की, ये तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, तो इसमें तो कई करोड़ों साल और लग गए होंगे. ओके बेटा आगे बढ़ रहे हैं जी. माइक्रोस्फीयर के बारे में ये कुछ उनकी प्रॉपर्टीज दी गई हैं. दे हैव द एबिलिटी ऑफ मोटिलिटी, ग्रोथ, बाइनरी फ्यूजन इनटू टू पार्टिकल्स एंड अ कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन बाय बडिंग एंड इवन फ्रेगमेंटेशन. तो मतलब सिंपल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें वो भी माइक्रोस्फीयर में देखने को मिलता है. कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि माइक्रोस्फीयर को हम फर्स्ट लिविंग सेल मान सकते हैं. सम इन्वेस्टिगेटर्स believe, but others do not believe that we should not say that they are living. हालांकि आप देख रहे हैं कि वो बहुत सारी properties show कर रहे हैं, motility की, growth की, reproduction की भी. लेकिन ये किस तरह का reproduction है जिसमें replication of the DNA involved नहीं है. Otherwise आप जानते हैं एक cell को जब reproduce करना है तो cell cycle के through पहले उस cell को अपना DNA replicate करना होगा, right? Now आगे देखते हैं जी. Origin of prokaryotes. प्रोकैरियोट सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ जो है. प्रोकैरियोट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोटोसेल्स अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो इन द सी. द एटमॉस्फेयर वाज एनारोबिक. उस समय फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी. अच्छा आप खुद ही देखिए, ऑक्सीजन अगर होती है तो वो ऑक्सीडाइज कर देती है चीजों को. कई बार हम ये सोचते हैं कि भाई क्या लाइफ का ओरिजिन अभी भी हो रहा होगा, समंदर की किसी गहराई में, कहीं किसी कोने में क्या लाइफ अभी ओरिजिनेट हो रही है? सो आंसर टू दिस बाय मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट इज नो, कि नहीं, लाइफ इज नॉट ओरिजिनेटिंग नाउ, लाइफ इज इवॉल्विंग नाउ. इसका मतलब क्या है कि भाई अब लाइफ क्यों नहीं ओरिजिनेट कर रही? बिकॉज समंदर में कहीं किसी कोने में हम मान लें कि मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन या कोई भी चीजें मिलकर के एक सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना रहे हैं, प्रोटीन्स बन गए, पॉलीसेकेराइड्स बन गए, तो आप जानते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसे खा जाएंगे. दे विल यूटिलाइज इट एज फूड. तो उस चीज को चांस ही नहीं मिल पाएगा कि वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होकर सेल जैसी कोई चीज बना पाए. मोर ओवर द एटमॉस्फेयर इज ऑक्सीडाइजिंग टाइप.
ऑक्सीडाइजिंग टाइप से मतलब क्या है, पहले तो रिड्यूसिंग टाइप था, नो फ्री ऑक्सीजन वॉज अवेलेबल, जो भी ऑक्सीजन हुआ करती थी दैट वॉज इन बाउंड फॉर्म, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मेटल ऑक्साइड्स. अब क्या है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, ऑक्सीजन हर चीज को ऑक्सीडाइज कर देती है. Got it? So life is not originating now, it is evolving now. The atmosphere was anaerobic because free oxygen was absent in the atmosphere. Prokaryotes do not have the nuclear membrane, cytoskeleton or the complex organelles. Prokaryotes ka structure se aap familiar hain, जैसे बैक्टीरिया आपने पढ़ा है तो वो सिंपल फॉर्म्स ऑफ लाइफ है. यहां पे एक एग्जांपल लेकर के आपको दिखाया गया है कि किस तरह से इनिशियल एक सेल जैसी चीज दो भागों में बट गया होगा. दे डिवाइड बाय बाइनरी फिशन. सम ऑफ द ओल्डेस्ट नोन फॉसिल सेल्स अपीयर एज पार्ट्स ऑफ स्ट्रोमेटोलाइट्स. समंदर की गहराइयों में हमें स्ट्रोमेटोलाइट्स मिले हैं. स्ट्रोमेटोलाइट्स आर फाउंड टूडे फ्रॉम सेडिमेंट्स एंड photosynthetic prokaryotes. They were the mainly filamentous cyanobacteria, blue-green algae. Right? Now, अब बात करते हैं modes of nutrition कैसे originate हुए होंगे, heterotrophs and autotrophs. I hope आपको समझ आ रही है चीजें इतनी. अब इसमें main ध्यान रखने वाली बातें क्या है भाई, एक तो आप ये ध्यान रख लेना, microsphere सिडनी फॉक्स ने concept दिया था, coacervate ओपेरिन ने दिया था. कोएसर्वेट और माइक्रोस्फीयर के डिफरेंसेस, ये दोनों ही प्रोटोसेल मॉडल्स हैं. राइट, आगे बढ़ते हैं. हेटरोट्रॉफ्स एंड ऑटोट्रॉफ्स का जिक्र करते हैं. हेटरोट्रॉफ्स, द अर्लीएस्ट प्रोकैरियोट्स ऑब्टेन्ड एनर्जी बाय फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सी ब्रॉथ इन द ऑक्सीजन फ्री एटमोस्फेयर. ऑक्सीजन पहले मौजूद नहीं थी इसीलिए रिड्यूसिंग टाइप ऑफ एटमोस्फेयर कहा है. दे रिक्वायर्ड रेडीमेड ऑर्गेनिक मटीरियल्स एज फूड एंड सो देवर हेट्रोट्रॉफ्स. जो अर्लियर प्रोकैरियोट्स थे वो स्वयं अपना खाना खुद नहीं बना सकते थे, जैसा कि हम ऑटोट्रॉफ्स की बात करते हैं, वो क्या करते थे, दे ऑब्टेन्ड एनर्जी बाय द फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. ओके जी, आगे देखते हैं फिर क्या हुआ, ऑटोट्रॉफ्स कैसे बने होंगे. ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स का संख्या जो थी नंबर बढ़ता गया. The nutrients from sea water begin to disappear and gradually exhausted. जो nutrition का source था obviously वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा. तो अब जरूरी था कि autotrophic mode of nutrition जो है वो originate होता, उसकी evolution होने की आवश्यकता थी. Heterotrophs के बाद अब autotrophs बनने जरूरी थे, क्योंकि sea water में जो nutrient broth जिसकी हम बात कर रहे हैं, धीरे धीरे वो चीज खत्म होने लगेगी क्योंकि heterotrophs की संख्या बढ़ती गई. These organisms were capable of producing their own organic molecules by chemosynthesis or photosynthesis. Autotrophs के बारे में कहा जा रहा है ये. Now, chemo autotroph की बात करते हैं. Drop in the temperature stopped the synthesis of organic molecules in the seawater. जैसे ही धीरे धीरे तापमान कम होने लगा, टेम्परेचर कम होने लगा, तो उससे क्या हुआ, इट स्टॉप्ड द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द सी वॉटर. सम ऑफ द अर्ली प्रोकैरियोट्स दे गॉट कन्वर्टेड इनटू कीमो ऑटोट्रॉफ्स. और वो क्या करते थे, दे प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक फूड बाय यूजिंग एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सर्टेन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस, इसीलिए कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहा गया उन्हें. These anaerobic, ये भी anaerobic थे, anaerobic chemoautotrophs, they were like the present anaerobic bacteria and they release carbon dioxide in the atmosphere. So हमने क्या जाना कि भाई शुरुआत में heterotrophs थे, धीरे धीरे nutrition का source जब कम होने लगा, खत्म होने लगा, तो खुद एक ऐसा mechanism बनना जरूरी था कि जब वो अपने स्वयं की जरूरतों को, भोजन को, खाने पीने की जरूरतों को खुद पूरा कर सके. फोटो ऑटोट्रॉफ्स, क्लोरोफिल की बहुत बड़ी इसमें रोल रहा है, आवश्यकता रही. इवोल्यूशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एनेबल्ड सर्टन प्रोटोसेल्स टू यूटिलाइज लाइट एनर्जी एंड सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स. कि भाई लाइट जो अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके एनर्जी शरीर में प्रोड्यूस कर ली जाए. देवर एनएरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ्स, दे डिड नॉट यूज वॉटर एज अ हाइड्रोजन सोर्स. शुरुआत में जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स बने वो एनएरोबिक थे बिकॉज दे डिड नॉट यूज वॉटर एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन. आगे बढ़ते हैं. दे वर सिमिलर टू द प्रेजेंट डे सल्फर बैक्टीरिया.
जैसे आप सल्फर बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, जो शुरुआत के एनारोबिक फोटोऑटोट्रॉफ्स थे, दे वर सिमिलर टू सल्फर बैक्टीरिया, जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड HCN स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन एंड सल्फर. हाइड्रोजन वॉज यूज इन फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड द सल्फर वॉज रिलीज एज अ वेस्ट प्रोडक्ट. राइट जी, शुरुआत के जो एनारोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ्स थे उनका जिक्र हो रहा है, एंड दे वर सिमिलर टू द प्रेजेंट डे सल्फर बैक्टीरिया. देखिए कितने कॉम्प्लेक्स स्टेप्स में से गुजर के फाइनली आज हमारे सामने जो है इंसान है, आप या मैं है, मैं हूं, आई मीन इवोल्यूशन का नतीजा ही तो है ये चीजें. कोई एक इंसान इवॉल्व नहीं करता, ये बात मैंने आपको बताई थी. इवोल्यूशन इज विद रिस्पेक्ट टू द सक्सेसिव जनरेशंस, कि आने वाली जनरेशंस में आपको पेरेंटल जनरेशन के कंपैरिजन में क्या बदलाव नजर आ रहे हैं जेनेटिक्स के लेवल पे. अब आ जाते हैं जी एरोबिक फोटोऑटोट्रॉफ्स. इससे पीछे क्या थे? एनएरोबिक फोटोऑटोट्रॉफ्स, उससे पीछे कीमो वाले थे. दीज यूज्ड वाटर एज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड, ये देखिए एरोबिक वाले जो थे दे यूज्ड वाटर एज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज सोर्स ऑफ कार्बन टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए जैसा प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, इन्होंने क्या किया, दे यूज वाटर एज सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज सोर्स ऑफ कार्बन टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी. सनलाइट की आवश्यकता थी. यहां पे इस एनिमेशन के जरिए आपको ये बात दिखाई भी गई है बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में. द फर्स्ट एरोबिक फोटो ऑटोट्रॉफ्स वर साइनो बैक्टीरिया, द ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक फॉर्म्स विच हैड क्लोरोफिल. इन्होंने ऑक्सीजन रिलीज करनी शुरू करी एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस. जब ऑक्सीजन आनी शुरू हो गई तो पूरी कहानी ही बदल गई. आप जानते हैं ऑक्सीजन जो है चीजों को ऑक्सीडाइज कर देती है. ऑक्सीजन के आ जाने से बहुत सारे बदलाव हुए. द फ्री ऑक्सीजन देन रिएक्टेड विद मीथेन एंड अमोनिया और उनको कन्वर्ट कर दिया इसने कार्बन डाइऑक्साइड में एंड नाइट्रोजन में. हमने कहा ना दैट इनिशियल एटमॉस्फेयर में देयर वाज अबंडेंस ऑफ मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन. धीरे धीरे ये चीजें बदल गई. मीथेन जो है वो बदल गई कार्बन डाइऑक्साइड में और अमोनिया जो है वो फ्री नाइट्रोजन में बदलने लगी. ऑक्सीजन रिलीजिंग प्रोकैरियोट्स दे फर्स्ट अपीयर्ड एट लीस्ट 2.5 बिलियन ईयर्स अगो. राइट, यहां पे कुछ रिएक्शंस भी आपके सामने दिखाई गई हैं कि किस प्रकार से मीथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हुआ होगा. क्लियर है जी, इतना समझ आ रहा है? कोई चीजें कॉम्प्लेक्स तो नहीं लग रही आपको? थोड़ा सा बीच बीच में कहीं आपको लग रहा होगा मोनोटोनस हो गया कि चीज ज्यादा हो गई है, बट देखिए बेटा नीट एग्जाम एक सिंगल एग्जाम है. आप जानते हैं एम्स अलग था पहले, जिपमेर अलग था, अब ऐसा नहीं होगा. सो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं एग्जाम का लेवल बढ़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ सकती है. सो अपने आप को पूरी मजबूती से हर तरह के माहौल के लिए तैयार करके चलते हैं ना. इसी को तो कहते हैं पैटर्न प्रूफ स्टडी, कि भाई हमने अच्छे से तैयारी करी है, चाहे एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जाए अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से. राइट, आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओजोन. अब जब ऑक्सीजन आ गई तो फिर ओजोन भी आ जाएगी. सो देखते हैं एज ऑक्सीजन एक्यूमुलेटेड इन एटमोस्फेयर, धीरे धीरे जब ऑक्सीजन इकट्ठी होती गई द यूवी लाइट चेंज्ड सम ऑफ द ऑक्सीजन इनटू ओजोन. ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हुई, ओजोन की एक परत बन गई जिसने ब्लॉक कर दिया अल्ट्रावायलेट लाइट को एंड इट लेफ्ट द विजिबल लाइट ओनली एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो एंड दे वर प्रोबेबली सिंगल सेल्स. राइट जी, यहां पे रिएक्शन दिखाया गया कि अल्ट्रावायलेट लाइट ने किस तरह से ओजोन बनवाई होगी. नाउ प्रोकैरियोट्स के बाद यूकैरियोट्स बने होंगे. यूकैरियोट्स का ओरिजिन किस प्रकार हुआ होगा इसको लेकर के अलग अलग कंसेप्ट हैं, दो अलग कंसेप्ट हैं, दोनों डिस्कस करेंगे. The eukaryotes developed from primitive prokaryote cells about 1.5 billion years ago. There are two views regarding the origin of eukaryotes. एक जैसा कि मैंने आपको बताया, Lynn Margulis ने कंसेप्ट दिया था symbiotic origin for the eukaryotes. Lynn Margulis का ये मानना था कि एक बहुत बड़ा सेल रहा होगा जिसने एक दूसरे छोटे सेल को engulf कर लिया है, जिसके कारण यूकैरियोटिक सेल बने हैं. अकॉर्डिंग टू मार्गुलिस ऑफ बॉस्टन यूनिवर्सिटी सम एनएरोबिक प्रेडेटर
host cell. Anaerobic tha, predator host cell engulfed the primitive aerobic bacteria but did not digest them. उसे digest नहीं करा. वो उसके अंदर एक symbiotic relationship बना करके रहने लगे. These established themselves inside the host cell as symbionts. Such predator host cells became the first eukaryotic cells. आप देख रहे हैं ये engulf कर रहा है इसे और endosymbiosis होके उसी चीज ने mitochondria बना दिया है और इस प्रकार से ही plastids भी बने होंगे. ये है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बाय लिन मार्ग्यूलियस. ध्यान रखिएगा इसमें साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है. द प्रीडेटर होस्ट सेल दैट एनगल्फ्ड एनारोबिक बैक्टीरिया इवॉल्व्ड इनटू एनिमल सेल्स और वो उसका माइटोकॉन्ड्रिया बन गया. व्हाइल दोज दैट कैप्चर्ड बोथ एरोबिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गे बिकेम द प्लांट सेल्स. राइट जी. The aerobic bacteria established themselves as mitochondria and the blue-green algae established themselves as the chloroplast. This is one concept about the origin of eukaryotes. Dusra concept kya kehta hai? Origin by invagination. Invagination se kya matlab hua? Dekhiye ki maan lijiye ye ek original cell raha hoga. Iski apni plasma membrane invaginate hui hogi. और उसी ने अलग अलग ऑर्गेनल्स जो है वो बना दिए होंगे. राइट आप देख रहे हैं ये इन्वेजिनेशन हुआ. इन्वेजिनेशन के कारण अलग अलग ऑर्गेनल्स बने होंगे. उसी कारण से शायद सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल के अंदर गॉल्जी है एंड और बाकी सब ऑर्गेनल्स हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस व्यू सेल ऑर्गेनल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स माइट हैव originated by invagination of the surface membrane of the primitive prokaryotic cell. So, ye do alag alag views hai. Clear hai ji itna? Right? Like karna nahi bolenge video ko. Aapke likes jo hai, wo jab baaki students video dekhenge, so unko bhi ek energy, ek positivity milegi ki bhai haan, ye video bahut se bachcho ne like kara, that means isme sahi information hai. Dekhte hai ji, aage kya hai humare paas? Origin of multicellular organisms. शुरुआत में यूनिसेलुलैरिटी थी भाई. अलग अलग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ने मिल करके मल्टीसेलुलैरिटी को ओरिजिनेट करा. आप जानते हैं प्रोटोजोन्स के बाद हमें जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, लोएस्ट ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, दे आर व्हाट? दे आर स्पॉन्जेस एंड स्पॉन्जेस बिलोंग टू द फाइलम पोरीफेरा. Lowest of the multicellular animals की बात करें अगर हम, they are lowest of multicellular animals. Their body is just collection of cells. Sponges में सिर्फ cellular level of organization है, tissues नहीं होते उनमें. Lowest of multicellular animals are the sponges. So पॉरीफेरा से फिर धीरे धीरे आगे अगर हम पढ़ें, अगर आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा है इवोल्यूशन के कोर्स में, देयर इज निडेरिया फाइलम, सीलेंट्रेटा भी जैसे कहते हैं, टीनोफोर्स हैं. स्पॉन्जेस को माना जाता है दैट दे आर ऑन अ ब्लाइंड ब्रांच ऑफ इवोल्यूशनरी ट्री. कोलोनियल क्वेनोफ्लेजलेट्स जो थे प्रोटोजोन्स, कोलोनियल क्वेनोफ्लेजलेट्स से स्पॉन्जेस बने. लिख देते हैं जी यहां पे, कोलोनियल क्वेनोफ्लेजलेट्स, they are protozoans. In colonial coenoflagellates ne sponges banaye. We know that these animals, the Proterospongia, that's a colonial coenoflagellate, Proterospongia, it is a connecting link between protozoa and porifera. Aage hum evolution mein alag alag connecting links ki baat karenge. Yahan pe main likh deta hun Proterospongia ke bare mein. Proterospongia, it is a connecting link between what? It is a connecting link between protozoa and porifera. देखिए evolution एक ऐसा process है जिसे आप अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख नहीं सकते, फिर भी हम कहते हैं that we have to believe in evolution because there are definite evidences in favor of evolution. You'll be surprised that there are people who do not believe in evolution and they give you the evidences against the evolution. Kabhi unka bhi zikr karunga aapke saath. Evidences against evolution kya hai? Well,
फिलहाल हम ये बात कर रहे थे कि सिंपल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे बनाए होंगे। डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है जब मल्टी सेलुलरिटी होती है, तो शरीर के अलग अलग सेल्स अपना अलग अलग कार्य निर्धारित कर लेते हैं, अलग अलग काम डिसाइड हो जाते हैं। इसमें देखते हैं जी, वंस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वर डेवलप्ड द सेल्स कुड गैदर टू फॉर्म कॉलोनीज। लेटर सेल डिफरेंशिएशन अकर्ड टू फॉर्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दीज गेव राइज टू ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ बाय ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन ओवर द एजेस। फिर वही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं ओवर द एजेस अलग अलग तरह के हैं। लूका LUCA लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर कहते हैं, इसका जिक्र भी आने वाली क्लासेस में हम करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है हमें, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या और प्लैनेट्स पर भी लाइफ है? अगर आप लाइफ की बात कर रहे हैं और जिस तरीके से हम लाइफ को कैरेक्टराइज कर रहे हैं, हम कहते हैं ना लाइफ कैनॉट बी डिफाइंड, लाइफ कैन ओनली बी कैरेक्टराइज्ड, राइट जी। सो जो कैरेक्टर्स हम लेके चल रहे हैं लाइफ के, हो सकता है पूरे ब्रह्मांड में कहीं किसी और प्लैनेट पर भी ऐसा हो रहा हो। पूरे ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सीज हैं, है ना, जैसे हम मिल्की वे गैलेक्सी की बात करते हैं, आकाश गंगा गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा है, और भी हैं। हर किसी के अपने अपने सोलर सिस्टम्स हैं। जैसे हम अपने सोलर सिस्टम की बात करते हैं, सन है, वही सूरज है, उसके अलावा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अलग अलग प्लैनेट्स हैं। तो जिस तरीके से लाइफ को हम धरती पे समझ के चल रहे हैं, पहले तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर प्लैनेट में लाइफ को लेकर के वही परिभाषा लागू होगी वहाँ पे, है ना। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट अपनी कंसेप्ट, जितना करंट नॉलेज है उसके आधार पे ये मान के चलते हैं कि भाई इस हमारे सोलर सिस्टम में भी कहीं ना कहीं और लाइफ होनी चाहिए। हजारों लाखों डॉलर्स इसी चीजों में खर्च होते हैं हर साल, नासा आप जानते हैं, राइट, जो इस खोजबीन में जुड़ा हुआ है कि भाई क्या दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ है या नहीं है। मार्स को एक प्रोबेबल प्लैनेट माना जाता है कि जहां पे जीवन के शायद कुछ संकेत हो, शायद वहां पर भी जीवन है। तो सवाल यह है कि क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं? क्या इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? आर वी अलोन इन द यूनिवर्स, राइट? या फिर और भी कई ग्रह हैं जहां पे जीवन हो सकता है? इसको लेके आने वाली क्लासेस में भी आपके साथ बात करूंगा। द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन द अदर प्लैनेट्स इज व्हाट इज कॉल्ड एक्सोबायोलॉजी। सो एक्सोबायोलॉजी इज व्हाट, स्टडी ऑफ लाइफ ऑन द अदर प्लैनेट्स। ओके जी, सो इसके साथ ही हम आज का अपना ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा एंड लाइक करने में भी कंजूसी मत कीजिएगा। क्लास 11th एंड 12th का टाइम टेबल मैं आपको बता दूं। क्लास 11th के लिए हम आपसे मिलते हैं मंडेज, ट्यूजडेज एंड वेडनेसडे को। क्लासेस के टाइमिंग्स रहते हैं 4, 5, 6 बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। द सेम गोज फॉर क्लास 12th ऑल्सो। फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को हम आपसे मिलते हैं जी। एंड सब्जेक्ट्स बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्लासेस हैं 4, 5, 6। 4 बजे मैं आपसे मिलता हूँ डेली, जिसमें थर्सडेज को हम आपके साथ स्पेशल सेशंस रखते हैं, जिसमें अगर एग्जाम में कोई बदलाव हुआ है, कोई नई जानकारी आती है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स को लेकर के, वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, राइट? चलिए, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले दिनों में और भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपके साथ लेके आने वाले हैं, मोटिवेशन को लेकर के, सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेकर के, पब्लिक स्पीकिंग को लेकर के, एग्जाम्स की प्रिपरेशन को लेकर के, स्ट्रेस कैसे कम रखना है, मेमोरी और ज़्यादा बेहतर कैसे बनानी है। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। मेरे दाएं बाएं आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक तो है PDF को लेकर के, जो अभी अभी ये लेक्चर हमारा ओवर हुआ है, जैसे YouTube पे अपलोड हो जाएगा आप देखेंगे नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा आपको, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको PDF नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। लेक्चर को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये हमारे सिस्टर चैनल्स हैं इंजीनियरिंग की तैयारी को लेकर के, दैट इज अनअकैडमी JEE एंड फाउंडेशन के लिए वी हैव 9th एंड 10th। आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके रिलेशन में अगर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो आप उन्हें हमारा चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। एंड द सेम गोज फॉर द फाउंडेशन क्लास स्टूडेंट्स ऑल्सो। अगर शुरू से तैयारी मजबूत तरीके से होगी, नींव अगर मजबूत होगी, सो और ज़्यादा बेहतर तैयारी जो है कर पाते हैं बच्चे। टेलीग्राम का ये बेहतरीन ऐप सेलफोन में जरूर रख लीजिए, इसके जरिए आप तक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंचती है। जब आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग,
प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते समय आप नीट लाइव कोड यूज करना मत भूलिएगा, बिकॉज इस कोड को जब आप यूज करते हैं तो हमारी टीम की तरफ से आपको 10% ऑफ मिलता है टोटल फी पे। प्लस का प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर जरूर कर लीजिए, बहुत सारे कोर्सेज उस पर चल रहे हैं और कम समय में, इवन 6 मंथ्स में भी आप अपना सिलेबस एफिशिएंटली इफेक्टिवली कंप्लीट कर सकते हैं और एक बेहतरीन रैंक के साथ एक बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको सीट मिल सकती है। चलिए, इसी शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार करता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विश यू ऑल अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।